क्या हुआ जब ट्रेन दुर्घटना से लाखों लोगों की जान बचाने के लिए स्वयं नंदी बैल दौड़े चले आए, और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोगों के होश ही उड़ गए। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शिवधाम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को महादेव शिव के गढ़ नंदी महाराज की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ये आंखों देखी सच्ची घटना हमारे साथ साझा की है बिहार के रहने वाले कमलेश गुप्ता जी ने। उन्होंने बताया कि कैसे स्वयं नंदी महाराज जी ने ट्रेन दुर्घटना से लाखों लोगों की जान बचाई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जब स्वयं बहुत बड़े ट्रेन दुर्घटना को होने से रोका नंदी महाराज ने। दोस्तों, कमलेश जी बताते हैं कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा यहां पर ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं, जिस कारण यहां से गुजरने वाली लगभग हर एक ट्रेन में सवारियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और उस दिन ट्रेन हादसा होने से पहले ही जो चमत्कार नंदी महाराज ने दिखाया, उसने न जाने कितने ही लोगों की जान बचाई और कितने ही परिवार को जुदा होने से बचा दिया। दोस्तों, ये घटना हुई थी बिहार के धनबाद स्टेशन के पास, और मैं उसी स्टेशन के ट्रेन में सरहसा के लिए सफ़र कर रहा था। उस ट्रेन में मेरे साथ बैठे सभी लोग इस बात की उनको जरा से भी भनक नहीं थी कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है, और ना ही मुझे भी इस बात का कोई एहसास था। दोस्तों, ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़े जा रही थी और हम सब सफ़र का आनंद उठा रहे थे। कुछ समय गुजरते ही एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसे देख हम सभी दहल जाते हैं। दोस्तों, उस समय जब मनसी से सरहसा की तरफ बागमती पुल पर ट्रेन तूफानी रफ्तार से चल रही होती है, तब किसी को यह अंदाज़ा नहीं होता कि बागमती नदी भी अपने उफान पर थी। पुल के आगे का रास्ता एक झील का रूप ले चुका था। अगर ट्रेन इसी रफ्तार से आगे बढ़ती तो ट्रेन का डिब्बा झील के चपेट में आकर पूरी तरह से डूब जाता, या फिर ये एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले लेता। लेकिन जब ट्रेन अचानक से रुकी और हम सबको ये मालूम पड़ा कि हम एक बहुत बड़े हादसे से बच चुके हैं, तब हमारा सामना एक चौंकाने वाले सच से होता है, और इस सच को सुन वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। दोस्तों, उस समय वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ड्राइवर जैसे ही उस पुल को क्रॉस करने ही वाला होता है, तब उस समय उसे वहाँ दूर खड़ा एक बैल नज़र आता है। ये सोच ड्राइवर सोचता है कि अगर चलती ट्रेन से वह बैल टकराता है तो गाड़ी पटरी से उतर सकती है, और जिससे बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। यहाँ तक कि ऐसे होने पर हजारों लोगों की जान भी जा सकती है। ये देख ड्राइवर बिना कुछ सोचे समझे सब लोगों की जान बचाने के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक मार देता है। ड्राइवर के ब्रेक मारने के बाद बैल की जान तो बच जाती है, और साथ ही साथ एक बड़े ट्रेन हादसा होने से भी बच जाता है, क्योंकि जब ड्राइवर को पता चलता है कि पुल से आगे का रास्ता एक झील का रूप ले चुका है और ट्रेन के आगे जाने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, तो ड्राइवर मन ही मन बैल का धन्यवाद करता है। ड्राइवर उस समय बैल की तरफ देख सोचता है, अगर ये बैल बीच में न आया होता तो शायद मैं ट्रेन नहीं रोकता, जो कि पूरे ट्रेन को एक बहुत बड़े एक्सीडेंट की तरफ ले जा सकता था। दोस्तों, ड्राइवर ने यह घटना हम सभी को बताया, और यकीन मानिए ये सुन हम सब उस बैल को दिल से धन्यवाद कहने लगे, और वहाँ हर किसी के मुँह से हर हर महादेव तथा जय नंदी देवता का जयकारा गूंजने लगा था। दोस्तों, कहते हैं ना, ऊपर वाले का हाथ हम सभी के ऊपर होता है, और हमेशा किसी न किसी रूप में वे मदद को जरूर आते हैं। उस समय भी स्वयं शंकर महादेव ने अपने गण नंदी महाराज को हम सभी की जान बचाने को भेजा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भोलेनाथ ने अपने किसी भी भक्त का हित होता नहीं देखा और मदद के लिए अपने गण नंदी को भेज दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस खतरनाक ट्रेन से हादसे से हमें बचाने वाला आखिर कौन था, स्वयं नंदी महाराज या महादेव शिव? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।